हाय, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और पिछले वीडियोस में हमने स्वीप कमांड के बारे में और स्वीप कट के बारे में पढ़ लिए हैं, लेकिन जो स्वीप है ना, उससे और भी कुछ पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और कौन से पार्ट बनाए जाते हैं स्वीप से। तो शुरू करें। देखिए, आज हम बनाएंगे टेलीफोन का वायर, जो स्पाइरल टाइप का वायर होता है वो बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। स्केच पे जाएंगे, स्केच पे क्लिक करेंगे, कोई प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे और एक पाथ बना लेंगे। ये वो पाथ है, ठीक है, ये पाथ हमने बना लिया। अब स्केच से बाहर हो जाएंगे, ये पाथ हो गया। अब दूसरा स्केच लेंगे। अब क्या करेंगे, दूसरा स्केच लेंगे, सेम प्लेन पे लेंगे, उसी फ्रंट प्लेन पे। अगर ये बनाया तो सेम प्लेन पे ये भी लिया, और प्रोफाइल जो होगा वो इससे थोड़ी सी दूरी पे एक छोटा सा प्रोफाइल बनेंगे, ठीक, जो इसका वायर डायमीटर होगा, इसके से बाहर चले जाएंगे। तो ये दोनों चीजें तो हमने बना ली। अब अप्लाई करेंगे स्वीप कमांड, फीचर में जाएंगे, स्वीप अप्लाई करेंगे। ओके, अब ऑप्शन कौन सा लेंगे, यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया है, प्रोफाइल, प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया। दूसरा ऑप्शन क्या है, पाथ, ठीक है। अब ये स्वीप तो हो नहीं रहा है, ऑप्शन में जाएंगे, क्या करेंगे, ट्विस्ट एलॉन्ग पाथ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे डिग्री की जगह टर्न ऑप्शन आएंगे, और टर्न यहाँ पे हम बढ़ाते जाएंगे, और ये क्या होता जाएगा, ये स्वीप होता जाएगा, जैसा कि आपके सामने हो रहा है। टर्न हमने बढ़ा दिए 50, 50 टर्न किए, ये देखिए कुछ इस तरह का शेप बन गया। ओके, तो टेलीफोन के रिसीवर का जो वायर होता है वो शेप हमने क्रिएट कर लिया है। तो स्वीप से इस टाइप का शेप भी क्रिएट हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्वीप के और भी ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन आता है गाइड कर्व का ऑप्शन, तो उसको भी देख लेते हैं, गाइड कर्व का ऑप्शन कैसे यूज करते हैं, और एक नया पार्ट लेते हैं उसको भी समझाते हैं आपको, स्वीप गाइड कर्व। तो स्वीप में आपको क्या करना होता है, एक पाथ बनाना होता है, ठीक है, स्केच किया, एक हमने पाथ बना लिया है, मान लीजिए ये हमारा पाथ है, ठीक है, स्केच से बाहर हो जाएंगे। दूसरा स्केच लेंगे, दूसरा स्केच लेंगे, हमने लिया इसको टॉप प्लेन पे, ओके, और एक ठीक है, ये हो गया। तीसरा भी स्केच लेंगे, सेम फ्रंट प्लेन पे स्केच किया हमने, नॉर्मल करेंगे, एक गाइड कर्व बनाएंगे। गाइड कर्व क्या होगा, जो यहां से इसको इसके शेप को गाइड कर सकता है, ठीक है, ये हमारा गाइड कर्व है। चलिए अप्लाई करते हैं स्वीप। स्वीप लिया हमने, ये है प्रोफाइल, ओके, ये हमारा पाथ। अब चलते हैं गाइड कर्व पे, गाइड कर्व ऑप्शन पे, ये हमारा गाइड कर्व। तो ये शेप देखिए, स्वीप में भी हम गाइड कर्व का यूज करेंगे, तो इसके शेप को हम कंट्रोल कर सकते हैं गाइड कर्व के थ्रू, और इस तरह के शेप भी हम स्वीप कमांड से बना सकते हैं। ये रहा स्वीप का यूज। और भी तरीके से स्वीप को हम यूज कर सकते हैं, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के आकार पे कैसे बनाने हैं वो आपको एज्यूम करके बनाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।